हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है एंड हियर माय फ्रेंड माय कलीग डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर भाग्य हो
Hello, sir. Hello. We are going for lunch. We are going for lunch. We are feeling hungry. So finally, me and my friend Dr. Rajendra Kumar, हम दोनों मृगावनी नेशनल पार्क पे देखने आए हैं, घूमने आए हैं, because ये प्लेस फेमस है. फेमस इसलिए है क्योंकि ये हैदराबाद का नेशनल पार्क है जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ है. और यहाँ पे सिर्फ आपको सर क्या देखने के लिए मिलेगा? Peacocks, deer. Peacocks and deer. यहाँ पे कोई शेर नहीं है और कुछ नहीं है. हाँ, आपको पीकॉक मिलेगा, शेर मिलेगा और यू कैन एंजॉय विथ योर फैमिली. यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज है. यू कैन डू सफारी. और दी बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी मिलेगी, एक सुकून मिलेगा. है ये हैदराबाद से 25 किलोमीटर है एंड ज़्यादा दूर नहीं है. हम बहुत ईजली बाइक, कार, बाई व्हीकल, स्कूटर भी आ सकते हैं. हम हमारे एक्टिवा पे आए यहाँ तक. नेचुरल है, छोटा सा है, नेचर अच्छा. एक्चुअली ना सर, ये उन लोगों को पसंद आएगा जिनको ना नेचर नेचर लवर है. जो नेचर लवर है उनको ये जगह बहुत पसंद आएगा. एंड ऑब्वियसली हम लोगों को तो ये जगह बहुत पसंद आए, भले ही हमें यहाँ पे कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा. देन ऑल्सो वी आर हैप्पी. सेकंड थिंग, यहाँ पे अलाउड है, घर का खाना ला सकते हैं, अंदर बैठ के खा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं. यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो बहुत ही कम है, लाइक 20 rupees पर पर्सन, और बच्चों के लिए 10 rupees है. एंड इवन यू कैन डू सफारी, है ना सर? सफारी बसेस है जो जिसके प्राइस नियरली 30 rupees है. हमने कोशिश किया था कि हमें कुछ दिख जाए. हमें सिर्फ क्या दिखा? मोर दिखे, पीकॉक और बंदर दिखा. एंड यस, आपको यहाँ पे वेराइटीज ऑफ प्लांट स्पीशीज मिलेगा. दिस प्लेस इज अराउंड ना सर 400 acres पे ये पूरा प्लेस है, नियरली 400 acres पे. एंड द रीजन फॉर कीपिंग दिस प्लेस की प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनको सेव कर सके. एंड या यहाँ पे यू कैन सी द डियर. आई विल शो द बैक साइड. आपको ये डियर देखने को मिलेगा. या सो यू कैन सी दिस. आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर आपको डियर देखने के लिए मिलेगा. स्पेशल यहाँ पे यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ पे शेर ये सब देखने मिलेगा. हाँ या देर इज नो वाइल्ड एनिमल. आपको यहाँ पे लाइक डियर मिलेगा. बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्लेस है. फैमिली, बच्चे बहुत अच्छा आगे यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं. सो नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी प्लेस है ये. हम अभी जा रहे हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए, और जिसके लिए हमें इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी है. यस सर. सो अब हम यहाँ से व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं. एक्चुअली आप यहाँ पे वैसे देखा जाए ना सर, ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत अच्छी है. व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट है. आप डियर देख सकते हो, पीकॉक देख सकते हो, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स या बोटानिकल टूर, फ्लोरा एंड फना. ब्यूटीफुल है सर व्यू, लवली. देखो सिटी कितना ग्रीन दिख रहा है. हाँ, अभी ग्रीन एरिया है, ये सारा नेशनल पार्क है. एवरीवेयर ग्रीन ग्रीन ग्रीन.
बारहसिंगा है, बारहसिंगा डियर नहीं है। बैम्बू ट्री भी है सर यहाँ पे, बहुत सारे बैम्बू ट्री है यहाँ। इसकी भी एक बहुत ये बांबू के झाड़ है, ये भी बहुत यूजफुल है। इसको इंग्लिश में बांबू बोलते हैं, हिंदी में अपन बांस बोलते हैं। ये झाड़ों की भी अपनी एक विशेषता है, इसकी भी एक कहानी है। हिंदू पामिस्ट्री में इसको घर में रखना शुभ होता है, इसके एक दिशा पे रखना पड़ता है। इस झाड़ की उम्र 45 वर्ष रहती है केवल। इस झाड़ को सिर्फ एक ही बार फूल लगते हैं और जिस वर्ष फूल लगते हैं उससे अगले वर्ष ये झाड़ मर जाता है। ज़्यादातर अपने भारत में नॉर्थ ईस्ट असम मणिपुर मेघालय शिलोंग वगैरह वो एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा बांस की पैदावार होती है। तो फाइनली हमने बैम्बू का भी देख लिया सर कि क्या क्वालिटी है, बहुत है सर यहाँ पे बैम्बूस। एंड इवन बताए हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बैम्बूस की बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हाँ हाँ, बैम्बू के खिलौने बनते हैं, बैम्बू की चटाइयाँ बनती है। लोगों को मालूम है अपने जो न्यूज पेपर है, अपने जो व्हाइट पेपर है, एक विविध तरह का बैम्बू बनते हैं, बैम्बू से तैयार होते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसका फर्टिलाइजर रहता है, बाद में केमिकल डालते हैं। बस सर इतनी कहानी मत बोलो सर, डीप में मत जाओ सर। इसके बारे में एक बता देंगे आंटी, इसके बारे में हो गया सर मेरे को, आपको पता है, आपको नहीं पता है, आपकी बहुत सारी वीडियो में कट करने वाली हूँ। ये एंट्रीज है, लेकिन ये एंट्रीज नहीं, इसको बेचारी चीटियां मेहनत से बनाती है, इसको चीटियां बहुत मेहनत से बनाती है। एंट्रीज को सांप आके यहाँ पे कब्जा कर लेता है, आलसी सांप जो कुछ नहीं बनाता है। शॉर्टकट में यही थी इसकी कहानी, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फंसे। सो फाइनली आज का हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया एंड वी आर गोइंग बैक टू होम। पूरी इतनी फैमिली से पीछे, आज का दिन बहुत अच्छा था, आज हमने बहुत कुछ देखा। सो सर फाइनली अब हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू आउट द गेट। आज का हमारा दिन ख़त्म हो गया, आज की हमारी सफारी ख़त्म। एंड रियली बहुत ही लाइक लो बजट प्लेस है ये, ज़्यादा खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। इवन स्कूल्स पिकनिक स्पॉट के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए एजुकेशन रिलेटिव वगैरह फैमिली वगैरह कभी भी किसी को चेंज होना हो तो यहाँ आ सकते हैं। एजुकेशन ट्रिप के हिसाब से भी अच्छा है बच्चों के लिए, लाइव देख सकते हैं वो लोग। हाँ, सो फाइनली वी आर आउट ऑफ द गेट, हमारा खत्म, वी आर गोइंग बैक, बाय सर से, बाय बाय, सी यू सून।